एक महीने तक घर क्यों नहीं जा सकते विंग कमांडर अभिनंदन, बड़ी वजह आई सामने। पाकिस्तान द्वारा विंग कमांडर अभिनंदन को कल रात भारत को सौंप दिया गया था। इसे पाकिस्तान ने जहां शांति के प्रतीक के रूप में छोड़ना बताया है, वहीं भारत का कहना है को अंतर्राष्ट्रीय दबाव व जेनेवा संधि के कारण अभिनंदन को छोड़ा गया है। एक महीने तक घर क्यों नहीं जा सकते विंग कमांडर अभिनंदन, बड़ी वजह आई सामने। पाकिस्तान द्वारा विंग कमांडर अभिनंदन को भारत को सौंपे जाने के बावजूद उन्हें एक महीने तक घर नहीं जाने दिया जा सकता है। आपको बता दें कि अभिनंदन की शारीरिक व मानसिक जांच वगैरह की जाएगी, जिसमें एक महीने से अधिक समय लगेगा। इस दौरान उनको घर नहीं जाने दिया जा सकता है। कहीं पाकिस्तान ने टॉर्चर तो नहीं किया अभिनंदन को? इन सब सवालों को जानने के लिए इंडियन एयरफोर्स उनकी कई तरह की जांच करेगी। कहीं उनको ड्रग्स तो नहीं दिया गया था या कोई अन्य अंदरूनी चोट तो नहीं आई है वगैरह। यह सब करने के बाद ही उन्हें ड्यूटी पर बहाल किया जाए या नहीं का फैसला लिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में एक महीने से ज्यादा का समय लगेगा। हालांकि उनके घर वाले या रिश्तेदारों को उनसे मिलने दिया जाएगा। एहतियातन इस तरह की जाँच करना सेना व हमारे देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। यह इसलिए भी जरूरी है कि यह पता लगाया जा सके कि पाकिस्तानी सेना ने उनसे किस तरह की जानकारियां जुटाई है या क्या क्या सवाल किए हैं, उनका पता लगाया जा सके। इस तरह की जानकारी इसलिए अहम है क्योंकि बाद में सेना को इसी तरह से तैयार किया जाए कि भविष्य में अगर ऐसा किसी अन्य जवान के साथ हो तो वह पहले से ही ऐसे सवालों का सामना करने के लिए तैयार हो आदि। दोस्तों, अगर आप भी विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी पर कोई राय देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। उन्हें सैल्यूट करने के लिए कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें। धन्यवाद।